हेलो फ्रेंड्स, क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स सेमीकंडक्टर और पीएन जंक्शन डायोड में हमने पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस और बैकवर्ड बायस में जोड़ने की विधि पिछले वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम पीएन संधि डायोड दिष्टकारी के रूप में देखेंगे। क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स सेमीकंडक्टर एंड पीएन जंक्शन पार्ट सिक्स। पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर यानी पीएन संधि डायोड दिष्टकारी के रूप में वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा अथवा वोल्टेज दिष्टकारी या रेक्टिफायर वह युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा एसी या प्रत्यावर्ती वोल्टेज को दिष्ट धारा या डीसी करंट में बदलती है। द डिवाइस विच कन्वर्टेड अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इंटू डायरेक्ट करंट और वोल्टेज कॉल्ड रेक्टिफायर आर दिष्टकारी। पीएन संधि डायोड को एज ए रेक्टिफायर हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। रेक्टिफायर कैन बी डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। एक होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पूर्ण तरंग दिष्टकारी या फुल वेव रेक्टिफायर। अर्ध तरंग दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर अर्ध तरंग दिष्टकारी या हाफ वेव रेक्टिफायर
वह डिवाइस है हाफ वेव रेक्टिफायर, वह डिवाइस है जो प्रत्यावर्ती धारा के आधे भाग का ही रेक्टिफिकेशन करती है। इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडल से प्राइमरी क्वाइल से प्रत्यावर्ती धारा के अल्टरनेटिंग करंट के स्रोत को जोड़ते हैं और ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली को एक पीएन संधि डायोड और एक लोड रेसिस्टेंस से सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। निर्गत वोल्टता को रेसिस्टेंस के सिरों पर प्राप्त किया जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर का जो फिगर है वह इस प्रकार से होता है। एक ये ट्रांसफार्मर जिसकी ये प्राइमरी कॉइल है और यह ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कॉइल, इसको हम L1 और इसको L2 से दिखाएंगे। इसमें सरणी क्रम में एक PN जंक्शन डायोड जोड़ देते हैं और इसके दूसरे सिरे से एक लोड रेसिस्टेंस जोड़ देते हैं। यहाँ पे प्राइमरी कॉइल को अल्टरनेटिंग करंट के स्रोत से जोड़ देते हैं, यानी धारा के लिए I=I0 साइन ओमेगा टी या V=V0
साइन ओमेगा टी, जैसा कि हमने अल्टरनेटिव करंट परिपथ में जोड़ा है, ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम दिया गया है। इसकी जो कार्य विधि है, वर्किंग फंक्शन ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली L2 का सिरा A B के सापेक्ष, ये इसका सिरा, द्वितीय कुंडली का सिरा, ये आपका ये सिरा A और ये सिरा B, इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में, ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है, ये आपका लोड रेसिस्टेंस है L1 तथा L2 इंडक्शन कॉइल या प्रेरण कुंडली है। तो इसकी जो कार्य विधि है, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में द्वितीयक कुंडली का सिरा A B के सापेक्ष धनात्मक रहता है, अतः पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस या आग्र अभी नति क्रम में होता है। डायोड अपने चालन अवस्था में रहता है तथा लोड रेसिस्टेंस से विद्युत धारा X से Y की तरफ, ये लोड रेसिस्टेंस का सिरा X, तो लोड रेसिस्टेंस से धारा X से Y की तरफ प्राप्त होती है। इसके बाद ऋणात्मक अर्धचक्र के क्रम में, लोड रेसिस्टेंस A का विभव लोड रेसिस्टेंस के सिरा A का विभव B के सापेक्ष माइनस में होता है, और
ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए, ऋणात्मक अर्ध चक्र के लिए पीएम जंक्शन रिवर्स बियास के रूप में कार्य करता है और इस स्थिति में लोड रेसिस्टेंस से, इस स्थिति में लोड रेसिस्टेंस से प्राप्त धारा शून्य होती है। यानी कि अगर हम इसका ग्राफ खींचे, इसका ग्राफ लेने पे अल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ आता है वह साइन ग्राफ के रूप में होता है। ये आप इस तरह से इसका ग्राफ, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ साइन ग्राफ के रूप में, साइन ग्राफ के रूप में। ये ऊपर की तरफ जो जा रही है ये आपका धनात्मक अर्ध चक्र और ये आपका ऋणात्मक अर्ध चक्र। धनात्मक अर्ध चक्र में यहां से लेकर यहां तक धनात्मक अर्ध चक्र में वोल्टेज फॉरवर्ड बियास में होता है और ऋणात्मक अर्ध चक्र में वोल्टेज या धारा रिवर्स बियास उत्क्रम अभिनित में होती है। धनात्मक अर्धचक्र धारा भेजता है और ऋणात्मक अर्धचक्र में धारा यानी करंट आपकी जीरो हो जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि या रेक्टिफायर अल्टरनेटिंग करंट के केवल आधे भाग को ही क्या करता है, भेजता है। यहाँ से हम थीटा ले लें, ये थीटा आपका जीरो, ये थीटा यहाँ पे 90 डिग्री या पाई बाई टू और यहाँ पे 180 या पाई, यहाँ पे 270 या 3π/2 और यहाँ पे 360 अंश या 2π। तो हम देखेंगे कि यहाँ से जीरो से लेकर के पाई के बीच में साइन वेव का इलेक्ट्रिक करंट प्राप्त हो रहा है और 180 से लेकर के 360 या पाई से लेकर के 2π रेडियन के बीच में अल्टरनेटिंग करंट का नेगेटिव साइन होने के कारण, जो कि ये रिवर्स बियास के स्टेज में होता है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं भेज पाता है। तो इस तरह से इससे प्राप्त होने वाली जो धारा का ग्राफ आता है, ये आपका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ग्राफ आपका क्या करेगा, जीरो से 180 तक देगा, फिर
360 से लेकर के और 540, यानी कि ये धारा आपको प्लस में प्राप्त होगी, लेकिन 180 से यानी पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में आपको करंट नहीं प्राप्त होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि केवल हाफ वेव डिफ्लेक्शन प्राप्त हो रही है। इस तरह से यह रेक्टिफायर अल्टरनेटिंग करंट को केवल एक ही डायरेक्शन में एक निश्चित अंतराल पे ये फ्लो करा रहा है। इस तरह से ये आपका हाफ वेव रेक्टिफायर बन जाएगा। अब हम हाफ वेव रेक्टिफायर से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। पहले तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। पहला, यदि किसी अर्ध तरंग दिष्टकारी परिपथ में लोड रेसिस्टेंस RL, लोड रेसिस्टेंस आपका RL हो और डायोड का अग्र प्रतिरोध RF हो, तो यहां पे पीएन जंक्शन डायोड का प्रतिरोध RF और लोड रेसिस्टेंस का प्रतिरोध RL दोनों सरणी क्रम में आ जाएंगे, यानी RL तथा RF दोनों सरणी क्रम में जुड़े हैं, तो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस या जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह RL प्लस RF होगा, और इस तरह से प्राप्त धारा का शिखर मान ये आपका हो जाएगा Vm अपान RL प्लस RF, जहां पे Vm बोल्ट आयाम यानी एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, जिसे हमने अल्टरनेटिव करंट चैप्टर में V0 के नाम से पढ़ा था, अब इस दिष्टकारी परिपथ में प्राप्त धारा का हम
हम औसत मान निकालेंगे, यानी कि आई एम, और आई एम आपका आ जाएगा 1.5 औसत मान, इसको आप IDC, ये आपकी आ जाएगी IM अपान पाई, ये आपका आ गया IM। इसके बाद हम वर्ग माध्य मूल मान निकालेंगे, दिष्टकारी धारा का IRMS यानी रूट मीन स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा IM बाई रूट टू, IM बाई रूट टू। इसके बाद आपकी निवेशी निर्गत दिष्ट शक्ति, निर्गत दिष्ट शक्ति जो आएगी PDC, और यह हो जाएगा I स्क्वायर डी सी और इनटू RL प्लस RF हो जाएगा, और निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति, निवेशी प्रत्यावर्ती जो शक्ति आएगी PAC, ये आपकी आ जाएगी I स्क्वायर RMS इंटू RL प्लस RF हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी आपको हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में बताया जा रहा था। आप इस वीडियो लिंक को यदि आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में इसे शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं और लाइक कराएं। धन्यवाद।